की वीडियो में हम कक्षा 11 विषय हिंदी की अगली कड़ी में जुड़ते हैं। आज हम काव्य खंड के पार्ट 2 मीरा के पद, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पदों की व्याख्या करने के पहले मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आपको मीराबाई का जीवन परिचय इन बिंदुओं पर लिखना है। पहला बिंदु है जीवन परिचय, दूसरा बिंदु है साहित्य सेवा, तीसरा बिंदु है रचनाएं, चौथा बिंदु है भाव पक्ष, पांचवा बिंदु है कला पक्ष और छठवां है साहित्य में स्थान, ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। पहला देखिए आपके बुक में दिया गया है पेज नंबर 135 में मीराबाई जी का जीवन परिचय दिया हुआ है, पेज नंबर 135, ठीक है। देखिए मीराबाई जी अपने जीवन के बारे में बताती हैं कि घायल की गत घायल जाने, हियरो अंगड़ा संजोए, जौहर की गति जौहर जाने, क्या जानिया जिण होए, ठीक है। अर्थात घायल की गति कौन जान सकता है, जो घायल हो अर्थात जिसको चोट लगी होगी वही चोट का दर्द समझ सकता है, ठीक है। हियरो अंगड़ा संजोए अर्थात मैं अपने हृदय में उनको संजो कर रखे हुए हूँ। अंगला जौहर की गति जौहर जाने अर्थात जौहर सोना, सोने की परख सोने को ही होती है, तो वही जान सकता है कि कुंदन और पीतल में क्या अंतर होता है, ठीक है, या क्या जानिया जिण खोए, या फिर वो जान सकता है जो जिसने खोया होगा अपना, जो कुछ खोया होगा वो जान सकता है कि क्या दर्द होता है, अर्थात जिस अवस्था में वो है उस अवस्था का आभास वही जान सकता है जिसके साथ वो अवस्था गुजरी होगी, ठीक है। देखिए मीरा जन्म कब हुआ, 1498, कहाँ, कुड़की गांव माड़वाल, 1498 जन्म स्थान मारवाड़, ये कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। और मृत्यु कब हुई, 1546, 1546। अब देखिए मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। मीरा किसकी उपासक थी, कृष्ण की, कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है, ठीक है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसीलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती थी। पूछा जा सकता है कि मीराबाई के गुरु कौन थे, तो इनके गुरु कौन थे, कवि रैदास। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहां से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई, ठीक है। तो ये आपका
देखा जा सकता है। बंधनों का प्रभाव भी, पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि पुरुषों महापुरुषों के साथ संवाद से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चय थी, निंदा या बंदगी उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई। जिस प्रकार जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहां रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहां मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बन करके उठी। ठीक है, जिस समाज में जब मीरा का जन्म हुआ था उस समाज में उस समय में स्त्रियों को बहुत बंधन में रखा जाता था। पर्दा प्रथा और कई प्रकार के बंधन थे, कई प्रकार की रूढ़ियों का चलन था। इससे इस दृष्टि से जब मीरा ने समाज में मंदिरों में जाकर नाचना प्रारंभ किया, भक्ति में लीन होकर और कृष्ण भक्ति में लीन हो गई और संतों के संग संगति करने लगी, तो एक तरह से स्त्री वर्ग को एक प्रोत्साहन मिला। और ये कह सकते हैं, इसी कारण से कह सकते हैं कि मीरा एक धर्म सुधारक के रूप में भी मानी जा सकती है। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर व्यंजना है, उन्हें विरह की वेदना और मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है, कला का अभाव ही उनको सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है, लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय है। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है, कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ठीक है, इनकी रचना कहे में है राजस्थानी भाषा में, लेकिन इनकी रचना में ब्रज भाषा का भी प्रयोग देखने को मिलता है, अर्थात राजस्थानी भाषा के साथ साथ इन्होंने ब्रज भाषा में भी रचनाएं की। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है, वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं है, ना शत्रु और ना ही मित्र। ठीक है, इस प्रकार से हम मीरा के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा। और अब बता दें कि इसमें एक मुख्य बिंदु है। अब इसके रचनाओं के बारे में हम कह सकते हैं, नरसी जी को महेरो, राम गोविंद
में मीरा के भक्ति भाव से संपन्न पद आज भी अलग ही जगमगाते दिखाई देते हैं। ठीक है, आज भी भक्ति गीत में, भक्ति सत्संग में मीरा के पदों की व्याख्या और उनके पद गाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने मीरा बाई जी का जीवन परिचय पढ़ा। अगले वीडियो में हम इनके पदों की व्याख्या